हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पापा की परियों ने बदल दी पापाओं की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपने बेटियों के चलते छोड़ दिए नशे, जिसमें राहा के पापा रणबीर कपूर हैं, मिशा के पापा शाहिद कपूर हैं और आलिया और पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट का नाम भी है शामिल। इस वक्त शाहिद कपूर जहां एक तरफ अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया को लेकर चर्चा में है, वहीं हाल ही में शाहिद पहुंचे थे नेहा धूपिया के शो नो फिल्टर नेहा के पहले एपिसोड में। इस दौरान कई सारे बातों में से एक इम्पोर्टेंट बात ये निकली कि आखिर कैसे शाहिद ने छोड़ी स्मोकिंग की आदत। शाहिद ने कहा, मैं स्मोकिंग किया करता था, मैं मिशा से छिप कर स्मोक करता था, पर एक दिन मैं छिप कर स्मोक कर रहा था तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ये हमेशा नहीं कर सकता, और वो दिन था जब मैंने सिगरेट नहीं पीने का फैसला किया। ये तो बी टाउन के एक पापा की बात हुई, अब मैं बताती हूँ और भी पापाओं की बात। अब हाल ही में राहा और पापा रणवीर साथ दिखे थे, वो भी ट्विनिंग के साथ जय के बर्थडे पर। तो आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में रणवीर कपूर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दी है और अब वो शराब भी नहीं पीते हैं। बेटी राहा के लिए वो वेजिटेरियन भी बन चुके हैं और फिट रहना चाहते हैं। दरअसल रणवीर का कहना है कि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं और उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें अपनी सेहत पर काम करना होगा। अब दामाद की बात हुई तो ससुर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, महेश भट्ट को एक टाइम पर नशेड़ी भी कहा जाता था, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया था। दरअसल जब एक बार महेश ने नशे में धुत होकर शाहिन को गोद में उठाया तो उन्हें लगा कि न्यू बॉर्न बेबी ने बदबू के चलते अपना मुंह फेर लिया। तब उनको लगा कि अब ये सब छोड़ना होगा और तब से अब तक महेश भट्ट ने नशे को हाथ नहीं लगाया। इसी लिस्ट में बी टाउन के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है। वो चेन स्मोकर रहा करते थे, अब उन्होंने अपने बच्चों और अपने सेहत के लिए स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया, और इसी लिस्ट में सैफ अली का भी नाम है। दरअसल साल 2007 में सैफ को माइनर हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला लिया था अपने बड़े बच्चों इब्राहिम और सारा के लिए भी, ताकि वो फिट रह सके। वाह भाई वाह, पापा की परियों ने तो अपने पापा को ऐसे सुधारा कि वो लाइन पर आ गए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।